अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे व्लॉग लाइव विद रबी में बहुत बहुत आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ, समर की बेस्ट रेमेडी है वो, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज फेस क्लिनज़र। समर है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके इंग्रेडिएंट जो हैं जितने सिंपल हैं और जितने कम हैं उतनी ही ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मैं आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट और आसान से आसान रेसिपीज़ रेमेडीज़ लेकर आती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई मसला ना हो मेरे व्यूअर्स को। अच्छा जी, चैनल को मेरे शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए रेमेडी जो मैं लेके आई हूँ उसकी तरफ चलते हैं। मैं कुछ आपको उसकी खसूसियात बता देती हूँ। ये जो रेमेडी है आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप इस तो चलिए जी हम लोग रेमेडी की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे इस रेमेडी में, मैं पहले वो आपको बता दूं। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जो है पाउडर ड्राई मिल्क, ठीक है, और 1 टीस्पून ये जो है मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं सिंघाड़े का पाउडर। सिंघाड़े का पाउडर आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सस्ता होता है ये, इस कंडीशन में होगा अगर आपको मेरा कैमरा सही से शो कर पा रहा है तो। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास है एलोवेरा जेल। हमें प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं लेना, हमें बाज़ार का एलोवेरा जेल ही लेना है। इस रेमेडी को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। हमने 1 टीस्पून जो है ड्राई मिल्क लिया है। सेकंड जो हम चीज़ लेंगे इसमें 1 टीस्पून जो हम लेंगे वो है सिंघाड़े का पाउडर, ठीक है, सिंघाड़े का पाउडर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा रनी फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि ये एज अ क्लिनज़र हमें स्क्रब। अच्छा जी, इसमें जो हम अब ऐड करेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट अपना वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें इतना डालना है कि थोड़ा सा रनी पेस्ट बने इसका ना, ताकि ईज़िली ये जो है हमें क्लिनजिंग करने में आसानी हो। आपने इसको एज अ क्लिनज़र, जैसे आप नॉर्मली क्लिनज़र यूज़ करते हैं कोई सा भी, इसको ऐसे ही यूज़ करना है आपने एज अ क्लिनज़र। इसमें 2 टीस्पून के करीब हम डालेंगे एलोवेरा जेल, ठीक है। इसको बिल्कुल रनी हमें थोड़ा सा रखना है ताकि हमें आसानी से हमें इससे मसाज हो जाए, ठीक है। मसाज करने के बाद जो है आप इसको करेंगे 15 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। आप इसे 15 मिनट्स के लिए आप छोड़ेंगे इसे, देन आप इसे वॉश करेंगे 15 मिनट्स छोड़ने के बाद। मसाज करेंगे, फिर मसाज करने के बाद आपने इसे 15 मिनट्स छोड़ देना है। 15 मिनट्स छोड़ने के बाद आपने इसे वॉश करना है। अच्छा जी, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आपको 1 यूज़ में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको यूज़ करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आज की जो रेमेडी है आपको कैसी लगी, आपको मेरी आज की रेमेडी। अच्छा जी, और एक बात, इसको आप जब यूज़ करेंगे आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नज़र आएंगे। 1 यूज़ में ही आपको पता चलेगा इसका रिज़ल्ट, और अपना रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ एक नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।